कांकेर में नक्सलियों ने दो जगह पर पुलिस के जवानों पर हमला कर दिया, जिसमें जवाबी कार्रवाई के दौरान एक महिला नक्सली सहित तीन नक्सली ढेर हो गए, वहीं एक जवान भी घायल हुआ। रेलवे ट्रैक निर्माण को सुरक्षा देने निकले एसएसबी के जवानों पर नक्सलियों ने गोलीबारी की, जिस पर जवानों ने जवाबी कार्रवाई की, जिससे नक्सली भाग खड़े हुए। उधर दूसरी ओर नक्सलियों ने कोसर रोडा के एसएसबी कैंप में भी फायरिंग की, जिसमें एसएसबी का एक जवान घायल हो गया। वहीं मुठभेड़ में तीन नक्सलियों को पुलिस के जवानों ने मार गिराया, जिसमें दो पुरुष एक महिला नक्सली शामिल हैं। पुलिस ने मौके से AK-47, SLR, 12 बोर की बंदूकें, ऑटोमेटिक गन को बरामद किया है, जिसकी पुष्टि SSP गोरखनाथ बघेल ने की। आज जिला कांकेर के तारोगी थाना क्षेत्र अंतर्गत कोसुंडा कैंप से SSP बल तब सर्चिंग अभियान के लिए निकले थे। उस समय सुरक्षा बल एवं नक्सली के बीच में एक मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ के पश्चात सर्चिंग के दौरान तीन वर्दीधारी माओवादी डेड बॉडी रिकवर किए थे, उनमें से एक महिला माओवादी भी है। साथ साथ घटनास्थल से तीन हथियार, उनमें से एक SLR, एक X95, एक 12 बोर, इस प्रकार के तीन हथियार भी बरामद किए गए थे। लगातार भी इलाके में सर्चिंग जारी है। 10 किलो का यूनिफॉर्म, 12 किलो का एम्युनिशन, 15 kg का रक्षक, एक सोल्जर जंग में दुश्मन से ये सब पहन के लड़ता है और आप एक मास्क पहनने में हिचकिचाते हैं। यही तो है आपका हथियार कोरोना से लड़ने के लिए। एक सोल्जर आपसे कह रहा है, बनिए कोरोना सोल्जर मास्क पहन के। इस जंग में जुड़ने के लिए imacoronasoldier.com पे रजिस्टर करो, मास्क पहनो, कोरोना सोल्जर बनो। मास्क का वार, कोरोना की हार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।